जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग गया है। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे लव जिहाद के मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? बबलू इकबाल शेख। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा, इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। बस नो मोर कन्वर्शन। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली फिजिकली हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंशी अल खल्क मिन अदम ثم الصلاة على المختار في القدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर मज़हब इस्लाम जैसे पाकीज़ा और मुक़द्दस दीन और मज़हब को बदनाम करने के लिए तरह तरह की टर्म इन्वेंट की गई हैं, ईजाद की गई हैं। कभी मज़हब इस्लाम की तरफ लव जिहाद जैसे अल्फाज को मंसूब किया जाता है, तो कभी फोर्स कन्वर्जन जैसे अल्फाज को, और कभी इस्लामिक टेररिस्ट जैसे अल्फाज को मंसूब किया जाता है। हालांकि दुनिया जानती है और हिस्टोरियंस जानते हैं, और जो बाज़मीर लोग हैं, जो अहले दिल लोग हैं, जो सच्चाई के साथ बात करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि मज़हब इस्लाम का इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया में फ़िरका परस्त अनासिर हैं, या जो भी मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी नज़र में इस्लाम और इस्लाम की ज़बरदस्त तालीमात जो हर किसी के लिए यकसा हैं, हर किसी को बराबरी का हक़ देती हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बदनामी की जा रही है और कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ी मज़हब इस्लाम के हक़ होने की दलील है। वो बड़ी पुरानी कहावत कही जाती है कि पत्थर उसी की तरफ जाते हैं जिस पेड़ पर फल होते हैं, और जिस पेड़ पर फल नहीं होते हैं उसकी तरफ कभी भी कोई शख्स पत्थर नहीं फेंकता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मज़हब इस्लाम की ये हक़ानियत की दलील है और उसके सच्चे और खरे और ज़बरदस्त मज़हब होने की दलील है। तो उसी में से एक बड़ा इस वक्त प्रोपेगंडा ये चल रहा है कि मज़हब इस्लाम लव जिहाद को फ़रोग देता है। हालाँकि दुनिया जानती है कि उन लोगों के जो ये बात इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं उनके खुले हुए बयानात हैं, खुली हुई उनकी तहरीरें हैं, और खुली हुई उनकी मीडिया में इस तरह के बयानात और डिबेट मौजूद हैं जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ और उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दो, और बाकायदा ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मुसलमान पना अपने अंदर पैदा करें, और फिर उस मुसलमान पने के ज़रिए से मुस्लिम जो बहू बेटियां हैं उनको वरगलाएं, बहकाएं, और अपने चुंगल में फंसा करके उनकी ज़िंदगियों को तहस नहस कर दें। बाकायदा उनके बयानात रिकॉर्डेड मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मज़हब इस्लाम के किसी भी स्कॉलर का कोई भी बयान इस तरह का नहीं है जिसमें ये बात कही जा रही हो कि आप धोखे से किसी का धर्म कन्वर्जन करवा दें और किसी का मज़हब बदलवा दें, तब्दीली मज़हब का काम करें लालच देकर या धोखे से। किसी का भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई बयान और कोई तहरीर मौजूद नहीं है। और कैसे हो सकता है? क्योंकि मज़हब इस्लाम इसको प्रमोट ही नहीं करता है। इस्लाम सच्चाई के साथ जब आप कबूल करेंगे, खालिस दिल के साथ जब आप कबूल करेंगे, और आपके अंदर कोई लालच नहीं होगा, कोई बुरी नीयत आपकी नहीं होगी, कोई दबाव आप पर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, बल्कि दिल की गहराई से मज़हब इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर जब आप इस्लाम की दौलत से मालामाल होंगे, तभी आपका इस्लाम वैलिड होगा, वरना आपका मज़हब इस्लाम इनवैलिड माना जाएगा। आप अगर किसी दबाव में,
किसी लालच में, किसी दुनियावी गरज और किसी दुनियावी फ़ायदे के तहत इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आपका इस्लाम वैलिड नहीं है। बहरहाल जो प्रोपेगंडे किए जाते हैं, तो हमको ये देखना है, कुरान पाक की कुछ आयतें हैं, उन आयतों को लेकर प्रोपेगंडा किया जाता है, कुछ तारीख़ी वाक़ियात हैं जिनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है और फिर उनके ज़रिए से प्रोपेगंडा किया जाता है और ये कहा जाता है कि देखो मज़हब इस्लाम फोर्स कन्वर्जन को प्रमोट करता है। तो आज हम इसका जायज़ा लेंगे और आज हम इसका एनालिसिस करेंगे अपनी इस गुफ्तगू में कि क्या वाकई मज़हब इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन को प्रमोट किया गया है या मज़हब इस्लाम इसको कंडेम करता है। आया कौन सा इस्लाम मुसलमानों से मज़हब इस्लाम चाहता है, क्या फ़ोर्स कन्वर्जन चाहता है या अपने आप वो मुसलमान और एक इंसान सबमिशन करे अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के सामने, वो इस्लाम चाहता है। तो इसको हम कुरान से समझेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस ये इस्लाम के अथेंटिक सोर्सेज हैं, ये प्रिजर्व हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं है, एक नुक्ते का भी हेर फेर नहीं है। और जो बात इसमें होती है वही बात इस्लाम की होती है। इसके अलावा अगर कोई बात या कोई इंसान या कोई तहरीक ऐसा कोई काम कर रहा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो उसको डिफेंड करना ये किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमको ये देखना है कि कुरान पाक में जो इस्लामिक लॉ की अथेंटिक बुक है, उसमें इस सिलसिले में क्या रहनुमाई दी गई हैं। तो इंशाल्लाह आज कुछ हदीसें हम आपके सामने रखेंगे और कुरान पाक की कुछ आयतें हम आपके सामने रखेंगे, जिन आयतों को समझकर और जिन हदीसों को समझकर आपके सामने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन है या नहीं, इस्लाम इसको कंडेम करता है या प्रमोट करता है। बहरहाल सबसे पहली जो आयत हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 है। आप देखिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है। सबसे पहले देखिए कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो ज़मीन के सारे इंसान ईमान ले आते, यानी अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ बड़ी नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस की इस आयत में बयान फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता है तो ज़मीन के सारे इंसान ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह की मशीयत आजमाइश की है, तो क्या तुम लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना चाहते हो, ये कानून कुदरत नहीं है। यानी किसी को ईमान लाने पर मजबूर किया जाए ये अल्लाह की ना मर्ज़ी है और ना ही अल्लाह ऐसा चाहता है। इस्लाम हरगिज़ हरगिज़ इसको प्रमोट नहीं करता। और किसी शख्स को अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर तौफीक ईमान नहीं मिल सकती, यानी ईमान तभी किसी शख्स को मिल सकता है जब अल्लाह की इजाज़त और मर्ज़ी शामिल हाल हो, और वह उन लोगों पर अज़ाब मुसल्लत करता है जो अक्ल व शऊर से काम नहीं लेते। सूरह यूनुस की ये पहली आयत हमने आपके सामने कोड की है, जिसमें साफ साफ फोर्स कन्वर्जन को कंडम किया गया है। अब दूसरी आयत आइए देखते हैं, सूरह काफ की जो आयत नंबर 45 है, आइए देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला वहाँ क्या कह रहे हैं। सूरह काफ में हम जानते हैं कि ये मुनकरीन क्या बातें करते हैं और आप इन पर मुसल्लत नहीं किए गए हैं, आप कुरान के ज़रिए इन लोगों को नसीहत कीजिए जो मेरे अज़ाब से डरते हैं। देखिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं कि आप इन पर मुसल्लत नहीं हैं, गोया कि फ़ोर्स कन्वर्जन कराना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना ही आपकी ड्यूटी है और ना ही आपको इसके लिए भेजा गया है। आपका फ़र्ज़ सिर्फ ये है कि आप हक बाज, यानी जो आपका रब आपको गाइडेंस दे रहा है वो गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचा दें, बस आपका ये काम है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ फरमाई कि आप इन पर मुसल्लत नहीं किए गए, यानी सिंप्लीफाई करके कह लीजिए कि आप इन पर दरोगा बना के नहीं भेजे गए हैं, बल्कि आपका काम इस्लाम की शाफ़ो शफाफ तालीमात को इन तक पहुँचाना है। तो ये सूरह काफ की आयत। अब आगे आइए सूरह अनफाल की आयत हम देखते हैं कि उसमें अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया है। सूरह अनफाल की आयत देखिए, अगर ये सुलह की तरफ मायल हूं तो तुम भी उसकी तरफ अपने मैलान का इजहार करो, यानी जंग हो रही है और इस्लाम कतई जंग नहीं चाहता है, ये तो जालिमों की सरकोबी के लिए मज़हब इस्लाम में जंग की इजाज़त दी गई, वरना इस्लाम जंग नहीं चाहता है। तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं कि अगर ये सुलह की तरफ मायल, यानी सुलह चाहते हैं, तो ए नबी आप भी इनसे सुलह करिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है।
जंग जिसको सबसे ज़्यादा ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि देखो इस्लाम में जंगें इसीलिए हुई हैं ताकि फोर्स कन्वर्जन कराया जाए। इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला की गाइडेंस मौजूद है आपके सामने। और फिर देखिए सूरह बकरा की एक ज़बरदस्त आयत है। सूरह बकरा में देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, बड़ी मशहूर आयत है कि दीन के मामले में जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद दीन, बहुत मशहूर आयत, दीन के मामले में जोर और ज़बरदस्ती नहीं है, हक और गुमराही दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यानी क्या सच है, क्या हक है, क्या झूठ है और क्या सच्चाई है, क्या फरेब है, धोखा है और क्या हक बात है, ये सबको बिल्कुल वाज़े हो चुका है। लिहाजा जो भी तागूत का इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा वो मज़बूत हलके को थाम लेगा जो टूटने वाला नहीं और खूब अल्लाह सुनता है और जानता है। इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ ये बात इरशाद फरमाई है कि दीन के मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम है तो उस गैर मुस्लिम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यही वजह है कि आप पूरी इस्लामी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बाकायदा इस्लाम की रियासत कायम कर दी थी और बाकायदा इस्लाम ताकतवर हो चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम को फैला दिया था, लेकिन कोई एक मिसाल आप नहीं दे सकते हैं कि जिसमें किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसको कलमा पढ़ाया गया। हरगिज़ हरगिज़ नहीं। जंगें हुई और जंगें होनी भी ज़रूरी हैं। जंगें इसलिए हुई ताकि जो लोग शरारती हैं, जो शरारती तत्व हैं, आज भी जंगें होती हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, बहुत से मल्टीपल रीजंस हैं जंग के, लेकिन कभी भी मजहब इस्लाम के लिए ये रीज़न नहीं बना कि वो इस्लाम किसी को कबूल करवा दे या किसी का ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा दे, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये अब कुछ आयतें हम आपके सामने बयान करना चाहेंगे जो आयतें दुश्मनों की तरफ से पेश की जाती हैं और ये बात कही जाती है कि देखो देखो इसमें फोर्स कन्वर्जन के लिए कहा जाता है, तो हम वो आयतें आपके सामने पेश कर दें ताकि आपके सामने बात क्लियर हो जाए और उसका जवाब भी दे दें कि उन आयात का मतलब क्या है जो दुश्मनों की तरफ से पेश की जाती हैं कि देखो देखो इसमें जो है कहा गया है कि फोर्स कन्वर्जन करवाओ और ज़बरदस्ती इस्लाम लोगों पर थोपो। तो देखो जंग करो उन अहले किताब से, जंग के मुतालिक ये बात हो रही है, जंग करो उन अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दे दिया है, उसे हराम नहीं समझते, दीन हक की इताअत नहीं करते, यहाँ तक कि वो झुक कर जिजिया देने पर मजबूर हों। ये मुनकिरो काफिर इसी के मुस्तहक हैं कि इनको जेरे नगी किया जाए और इस्लामी हुकूमत की शहरियत के एवज, यानी अगर ये चाहते हैं इस्लामी हुकूमत में रहना तो क्या करना होगा, आसान सा थोड़ा सा इन्हें टैक्स देना होगा ताकि इनकी बालादस्ती खत्म हो जाए, लेकिन इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म नहीं होगा इन पर। ये जो बात कही जा रही है इस आयत में, आप सबसे पहले बैकग्राउंड में इस आयत के जाइए, ऐसे नहीं समझ सकते हैं ये आयत। ये नहीं है कि नॉर्मल हालात के जहां लॉ इन ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन है वहां के लिए ये बात कही जा रही, नहीं, ये एक जंगी कानून है और ये बात सूरत तौबा में बयान की जा रही। सूरत तौबा ऐसी सूरत है जिसमें अक्सर जंगी कवानीन से अल्लाह तबारक व तआला ने बहस की। आप किसी भी देश का लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देख लीजिए, खुद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा कर देख लीजिए, वहाँ पर कभी नहीं ये कहा जाएगा कि जब आप जंग की कंडीशन में हों तो आप जो अपने दुश्मन के गले में ले जाकर के हार पहना दे, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। नहीं, जंग की कानून हर जगह के यकसा होते, हर जगह के, जब जंग होगी तो फिर बंदूक का भी इस्तेमाल होगा, जब जंग होगी तो बमों का भी इस्तेमाल होगा, जब जंग होगी तो टैंकों का भी इस्तेमाल होगा, हथियारों का भी इस्तेमाल होगा, हर चीज का इस्तेमाल होगा। तो जंगी कानून हर देश का एक जैसा है, कोई देश ये नहीं कहता है कि भाई आपकी जंग आपके दुश्मन से हो रही है तो आप ले जाकर के माला उसके गले में डाल दें, नहीं। तो ये एक जंगी कानून है, जंगी कानून को आज फ़िरका परस्त ताकतों ने, फ़िरका परस्त अनासिर ने जो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जंगी कानून को नॉर्मल जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेनटेन है उस सिचुएशन पर उसको फिट करना चाहते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा धोखा है। आप इस आयत के पूरे बैकग्राउंड में जाइए और आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन हालात में यह हुक्म दिया है। बहरहाल अब आप यह भी कह सकते हैं कि इस्लाम तो जंग को पसंद नहीं करता, फिर इस्लाम जंगी कानून के मुतालिक यह बात क्यों कह रहा है कि जंग करो।
तो क्यों ऐसा किया गया, क्यों जंग की इजाज़त दी गई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मज़हब इस्लाम में जंग की इजाज़त क्यों है आखिर। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी क्लियरिफाई कर दिया है। सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने साफ बयान कर दिया कि जंग इस्लाम नहीं चाहता, लेकिन जंग की इजाज़त दी गई अगर मुसलमानों को तो क्यों दी गई। देखिए जिनसे जंग की जा रही है उनको जंग की इजाज़त है, बात समझ में आई, यानी जिससे जंग की जा रही है उसको इजाज़त है, जिससे नहीं की जा रही उसको नहीं इजाज़त है। आप जो है बिला वजह जंग नहीं करेंगे किसी से, नहीं, हमने बताया कि जंग के मल्टीपल रीजंस होते हैं और जितनी भी जंगें इस्लामी दौर में हुई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई हैं या खुलफाए राशिदीन के दौर में हुई हैं, सहाबाए कराम के दौर में हुई हैं, आप उस जंग का पूरा बैकग्राउंड देखिए और फिर देखिए कि क्या इस्लाम ने गलती की है या दूसरों की तरफ से गलती हुई है जिसका जवाब दिया गया है, जिसके लिए जंग लड़ी गई। तो अल्लाह ताला ने साफ कुरान में, और ये तो मजाल ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल हुआ हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने उसमें कमी बेशी कर दी हो, यह तो नामुमकिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के, आज का मुसलमान तो हट सकता है, आज के मुसलमान की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम के बारे में फुल गारंटी है कि वो अल्लाह के हुक्म की उदूली नहीं कर सकते। तो देखिए अल्लाह ने साफ कह दिया कि जिनसे जंग की जा रही उनके लिए जंग की इजाजत है, और क्यों इजाजत है, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, उनको ऑपरेज किया गया है, उनके खिलाफ बाकायदा मुसल्लह और फौजी दस्ते रवाना किए गए, उनको मारने की कोशिश गई, उनकी जमीन और जायदाद हड़प। चुनांचे आप 13 साल की मक्की जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया गया, कितनी बर्बरियत के साथ उनके ऊपर जुल्म किया गया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी सालेह मुआशरा, कोई भी अच्छा मुआशरा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे जितना ज़्यादा वो पेशेंस रखने वाला इंसान हो, सब्र और तहम्मुल का हामिल इंसान हो, लेकिन ऐसी बर्बरियत मुसलमानों पर 13 सालों के अंदर हुई और उन 13 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की इजाज़त नहीं दी, इसको कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब हद हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई और वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी जालिमों ने और काफिरों ने और इस्लाम के दुश्मनों ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुमको जंग की इजाज़त दी जा रही है और इसलिए दी जा रही है क्योंकि तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया, और अल्लाह उनकी नुसरत पर कादिर है, उनको अपने इलाकों से बगैर किसी हक के निकाला गया। हमने बताया कि मक्की दौर में क्या हुआ था, वही अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि अपने इलाकों से मुसलमानों को बगैर हक के, बगैर रीजन के निकाला गया। सिर्फ उनका जुर्म क्या था, वो कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है। ये कोई जुर्म है? अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं दीन को मानता हूं, तो उसकी अपनी पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन, आप कुछ कहिए, हमसे क्या लेना देना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कतई आपका धर्मांतरण नहीं करवाएंगे, आपका फोर्स कन्वर्जन नहीं करवाएंगे, और ना ही इस्लाम इसकी तालीम देता है। जब इस्लाम तालीम नहीं देता तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम आपसे ऐसा कुछ कहें, ना ही आपको कोई लालच देंगे। आप इस्लाम की स्टडी करिए, डीपली स्टडी करिए, फिर आपको अगर इस्लाम पसंद आए तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, एक दावत है। जिस तरह से एक सौदा बेचने वाला और एक सेल्समैन अपने सौदे की तारीफ करता है और उसकी खूबियां गिनाता है और उसकी अच्छाइयां गिनाता है, फिर आप खरीद लेते हैं, तो इसको कोई नहीं करता कहता है कि ये फोर्स तरीके पर सौदाबाजी हुई है, ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि उसने अच्छाइयाँ गिनवाई तो आपने उसको कबूल कर लिया। ऐसे ही हम आपको अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं, मज़हब इस्लाम को पढ़ने की दावत दे रहे हैं, आप पढ़िए, आपकी समझ में आए, फिर आप इस्लाम कबूल करिए। तो ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि उन पर जुल्म हुआ था, इसलिए उनको जंग की इजाजत दी गई थी, उनको बगैर रीजन के उनके इलाकों से निकाला गया था, उनकी बीवियों को मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी जायदादों को हड़प कर लिया गया। सिर्फ जुर्म उनका इतना था कि वो ये कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है, जो बात हक है, सच है, सच बात कहने की वजह से उन पर इतना ज्यादा जुल्म हुआ। तो बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह बातें बिल्कुल आपके सामने आया है। अब सूरह कहफ की आयत देखिए, फोर्स कन्वर्जन जो लोग कहते हैं उनके मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा है ये आयत भी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साफ क्लियरिफाई किया है हर चीज़ को। देखिए और कह दीजिए कि ये तुम्हारे रब की तरफ से सच्चा कलाम है, यानी ये जो कुरान मुकद्दस है ये अल्लाह की तरफ से सच्चा कलाम है, बरहक कलाम है, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे इनकार कर दे, दिक्कत क्या है भाई? अल्लाह भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जब अल्लाह नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह के नुमाइंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग उम्मती कैसे फोर्स कन्वर्जन के लिए आपको दावत दे सकते हैं? कतान कतान ये चीज़ तसव्वुर के मुहाले। अल्लाह कह रहे हैं कि ये सच्ची किताब है,
अब अगर तुम्हारा दिल करे तो ईमान ले आओ और दिल करे तो इनकार कर दो। हमने हक के खिलाफ चलने वालों के लिए दोजख तैयार कर रखी है जिसकी लिपटें उनके चारों तरफ से घेर लेंगी और जब मदद के लिए वो चीखेंगे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी मदद की जाएगी जो तेल की झुलसा देने वाली तलछट की तरह होगा, जो चेहरों को भून कर रख देगा। बदतरीन पीने वाली चीज़ है वो और बदतरीन ज़िंदगी का वो सामान है। ये अल्लाह ने हक और बातिल आपके सामने बिल्कुल आया कर दिया है और फिर अल्लाह ने कहा है कि आप चाहें तो माने और ना चाहें तो ना माने, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरे सूरह दहर की आयत, हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से आजमाने के लिए पैदा किया है और उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया है और उसको सीधा रास्ता दिखा दिया। अब या तो वो शुक्रगुजार बंदा बन जाए या ना शुक्र बंदा बन जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं कि हमने जो बातें थी, जो सच्चाइयाँ थी, जो बरहक चीज़ें थी, जो दीन हमारा भेजा हुआ दीन है उसके मुतालिक हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर दिया है। अब जिसका इत्मीनान बैठता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक्सप्लेनेशन पर वो ईमान लिया है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह के वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का मोहताज भी नहीं है। ये हो गई बहरहाल। अब एक और आयत देख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं कि अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते तो हम उनकी बुराइयों से दरगुजर कर देते। ये देखिए आयत उस वक्त की है। ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगंडा उठाया जाता है कि देखिए जब इस्लामिक रियासत और इस्लामिक स्टेट मदीनतुल मुनव्वरा में कायम हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यहूदियों को बाहर निकाल दिया, यानी मदीना दरबर बदर कर दिया और ये फोर्स कन्वर्जन ही गोया की है। ये एक बहुत बड़ा इशू उठाया जाता है और बहुत लंबा चौड़ा एक एतराज़ किया जाता है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसी एतराज़ का जवाब दिया है। पहले इस आयत को समझ लें फिर इंशाअल्लाह मज़ीद बातें इसके हवाले से मर्ज करेंगे। देखिए अगर अहले किताब ईमान लाते, तकवा अख्तियार करते तो हम उनकी बुराइयों से दरगुजर करते और उनको नेमत भरी जन्नतों में दाखिल करते। अगर उन्होंने तौरात, इंजील और जो भी उनकी तरफ उतारा गया था उस पर अमल किया होता और उसे नाफिज करते तो ऊपर से भी खाते और अपने पैरों के नीचे से भी खाते, यानी इतना हम अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं हम देते। उनमें एक तादाद उन लोगों की है जो मोतदिल हैं लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो बदअमल है। ये पैगंबर आपकी तरफ परवरदिगार के पास से जो नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पैगंबरी का हक अदा नहीं किया। अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएगा, बेशक अल्लाह काफिरों और मुनकरों को तौफीक की हिदायत नहीं देता। कह दीजिए ए अहले किताब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं जब तक तुम तौरात और इंजील पर और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया उस पर अमल ना करो। और सूरत हाल ये है कि जो आपकी तरफ आपके रब के पास से नाजिल किया गया वो उनकी अक्सरियत को कुफ्र इनकार और तुगयानी और सरकशी पर मजीद आमादा करता चला जाता है, इसलिए इन काफिरों पर अफसोस की जरूरत नहीं है। अब बात क्लियर समझ में आई, यानी इनको क्यों निकाला गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इस आयत में यह बात इरशाद फरमाई है कि इन यहूदियों और ईसाइयों को मदीना बदर इसलिए किया गया था क्योंकि ये अपने अहद पैमान पर कायम नहीं रहे थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला से जो इन्होंने वादा किया था, जो इनको किताब दी गई थी, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, इनकी उम्मत को मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दिया गया था, तो उसकी इन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की, बगावत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें इन्होंने की। बाकायदा यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपने मजहब के साथ गद्दारी की, नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के साथ भी वो रेशा दमानियाँ करने लगे थे, साजिशें बुनने लगे थे मदीने में रहते हुए कि किस तरह से इस्लाम को हानि पहुँचाई जाए और किस तरह से इस्लाम को नुकसान पहुँचाया जाए। इसलिए उनको निकाला नहीं गया, ये गलत बात कही जाती है कि निकाला गया, नहीं बल्कि उनको रिलोकेट किया गया था, यानी उनका लोकेशन सिर्फ चेंज किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको जिस अहद पैमान की बुनियाद पर यहाँ रखा गया था वो अहद पैमान तुमने पूरा नहीं किया, बल्कि अमन और शांति की वजह से उनको रखा गया था। उन्होंने ये वादा किया था कि हम जब तक यहाँ रहेंगे मदीने की हुकूमत से और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लॉयल रहेंगे, लेकिन वो लॉयल नहीं रहे, उन्होंने रेशा दामानियाँ करनी शुरू कर दी, साजिशें करनी शुरू कर दी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनका लोकेशन चेंज किया। अखलाक का मेयार और अखलाक का पैमाना देखिए, अगर दुनिया की कोई और हुकूमत होती तो रेशा दामानियों के चलते क्या करती। मान लीजिए आपके मुल्क भारत में कोई कहीं का जासूस आ जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे,
सीधे उसे मार दिया जाता है, सीधे उसे जेल पहुंचाया जाता है, उसे दर्दनाक सजा दी जाती है कि ये फलानी जगह का जासूस है, वो जासूसी का काम कर रहे थे, वो मदीने के खिलाफ साजिशें बुन रहे थे। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक देखिए कि अल्लाह के नबी ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, सिर्फ उन्हें रिलोकेट कर दिया। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई तुम्हारी ये जो रेशा दमानियाँ और साजिशें हैं इनसे तंग आ चुके हैं हम, लिहाजा अब तुम इस जगह नहीं इस जगह रहोगे। इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो सिर्फ रिलोकेट किया गया था और इसको उन लोगों ने जो है ये हथियार बना लिया कि देखो देखो मज़हब इस्लाम ने जो है उनको निकाल दिया, जब उनके पास ताकत आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल हमने बताया कि जो जंगें हुई इस तरह से, जो ये वाकयात हुए उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आप कुरान उठा करके देख लीजिए, हदीस उठा करके देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा करके देख लीजिए, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ उठा करके देख लीजिए। और ये मेरा चैलेंज है कि कोई एक मिसाल भी आप ऐसी नहीं पेश कर सकते जिसमें जबरदस्ती किसी का फोर्स कन्वर्जन करवाया गया, कोई एक मिसाल नहीं आप पेश कर सकते। जंगें हुई, मल्टीपल रीजंस थे, आप हर जंग को इलाहिदा इलाहिदा पढ़ सकते हैं, आज वो तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है। एक जबरदस्त मिसाल सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अगर फोर्स कन्वर्जन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते या इसे प्रमोट करते, तो सुमामा बिन उसाल जो एक कबीले के सरदार थे, जब वो कैद होकर के आए तो मस्जिद नबवी में 3 दिन तक बंधे रहे थे, 3 दिन तक वो बंधे रहे सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन निकलते और कहते कि सुमामा क्या हाल है, वो नॉर्मल बातचीत होती 3 दिन तक, यानी 3 दिन तक वो मस्जिद नबवी में बंधे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, हदीस मौजूद है आप देख सकते हैं बुखारी में हदीस मौजूद है डिटेल के साथ, एक बार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल से ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। चाहते तो कर सकते थे क्योंकि वो उनके पास कैदी बने हुए थे, लेकिन नहीं, 3 दिन तक बराबर अल्लाह के नबी हाल खैरियत पूछते रहे और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल को रिहा कर दिया और कहा कि सुमामा बिन उसाल को छोड़ दो, बगैर किसी शर्त के यूं ही छोड़ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सुमामा बिन उसाल जब चले गए, बागीचे गए, वहाँ गुस्ल किया और गुस्ल करके अपनी मर्जी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए ये है इस्लाम की ज़बरदस्त मिसाल, एक कसम खा के कोई एक मिसाल आप फोर्स कन्वर्जन की पेश ही नहीं कर सकते। जितनी भी ये सब बातें आप कर रहे हैं ये सिर्फ प्रोपेगंडा है, और जो आप ये कह रहे हैं ना कि आजकल ये इस्लाम की तरफ से किया जा रहा है, हमने पहले ही कहा कि कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई मूवमेंट अगर ऐसा करती है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं, ना ही कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इसकी ज़िम्मेदारी ले सकता है। दुनिया में किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के पास आप चले जाइए और आप उससे ये मसला पूछ लीजिए कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से धोखे से शादी कर ले और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना ले तो क्या वो जायज़ है और उस लड़की का ईमान और उसका इस्लाम वैलिड होगा? देखिए आपको क्या जवाब मिलता है, हरगिज हरगिज उसका ईमान वैलिड नहीं, हरगिज हरगिज नहीं वैलिड, आपको जवाब मिल जाएगा सिंपल सा। तो अगर कोई तहरीक, कोई तंजीम या किसी बादशाह ने कुछ किया है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको हम कतई डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन हमारा काम है इस्लाम को डिफेंड करना। आप कुरान पाक में, इस कुरान मुकद्दस में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों में आप कोई एक मिसाल ऐसी दिखा दीजिए जिसमें फोर्स कन्वर्जन की बात कही गई हो, कोई एक मिसाल आप ऐसी नहीं दिखा सकते। तो कुरान और हदीस से हम बहस करते हैं, बाकी अगर किसी ने किया या कोई तहरीक कर रही है या कोई लड़का कर रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने। बल्कि एक मज़े की हदीस, बुखारी की पहली हदीस, हुआ यह कि जब हिजरत होने लगी यानी इस्लाम के दुश्मनों ने और अल्लाह के का इनकार करने वालों ने मुसलमानों की ज़िंदगी मक्के में अजीरन कर दी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह हुक्म दिया कि वो मदीना हिजरत कर जाएं। तो मदीना सब लोग हिजरत कर रहे थे, एक मुसलमान उसमें थे वो भी हिजरत कर रहे थे और एक उनकी जो जिनसे वो इश्क और मोहब्बत करते थे तो उनकी जो वो माशूका थी वो पहले हिजरत कर चुकी थी, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि हम भी मदीने हिजरत कर जाएँ, तो जब हिजरत कर जाएंगे तो हम अपनी माशूका से मिल जाएंगे और हमारा निकाह हो जाएगा। तो जब वो चले और मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इस वाकये की खबर दे दी गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में ये बात इरशाद फरमाई, गौर करिए गौर करिए, वाकई अगर आपका ज़मीर ज़िंदा होगा तो आप समझेंगे कि इस्लाम की जैसी तालीमात किसी की मुकद्दस हैं ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ یہ لو جہاد چل رہا ہے، لو جہاد چل رہا ہے، ہجرت جو اسلام قبول کرنے سے کم تر درجے کا عمل ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن اگر کسی نے ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے کی ہے، اور باقاعدہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ مینشن کیے کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت پر کوئی ثواب نہیں، دیکھیے یہ مینشن ہے باقاعدہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لو جہاد کو اسلام پروموٹ کرتا ہے، یہ کون سا جہاد، یہ بکواس جہاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاد کے معنی ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو سنواریں، اپنے آپ کو درست بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ جہاد کا مطلب سمجھا ہے آپ نے کہ جہاد کی باتیں ہی کرنے لگے، جہاد کہتے کسے ہیں؟ اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں، اسٹرگل کو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے جو اسٹرگل انسان کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد یہ اوچھے پنے کو اور آپ نے زناکاری کو، بدماشی کو، بے حیائی اور عیاشی کو، جس کی اسلام سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اس کو جہاد جیسا پاکیزہ اور مقدس نام آپ دے رہے ہیں؟ ذرا شرم کریے، کچھ اسلام کے بارے میں پڑھ لیجئے، کریے، اچھر بھینس برابر ہیں، آپ کو ذرہ برابر کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو قابل قبول ہے، اور اگر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی کو مبارک، اللہ اور اس کے رسول کو اس کی ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی صاف سن لے، اگر کوئی اسلام کو پڑھ کر کے، اسلام کو سمجھ کر کے، اس کی تعلیمات کو اچھا سمجھ کر کے دین قبول کر رہا ہے تو اس کا اسلام ویلڈ ہے، لیکن اگر کسی نے پیسے کے لالچ میں، اگر کسی نے جائیداد کے لالچ میں، اگر کسی نے عہدے اور پوسٹ کے لالچ میں، اگر کسی نے کسی لڑکے یا لڑکی سے نکاح کرنے کے لالچ میں اسلام قبول کیا تو ڈنکے کی چوٹ پر، یہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام اسلامک اسکالرس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا اسلام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ویلڈ نہیں ہے، ہرگز ہرگز ویلڈ نہیں، کیونکہ نیت بدل گئی۔ یہ آپ کا مذہب نہیں ہے آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر کی کوئی کیسا بھی چلا آئے اور بس ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اسلام جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی اس کا مطلب یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اسلام کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر قبول کریں، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول ہے، ورنہ کسی کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال یہ اورنگزیب کے بارے میں بھی بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو بھی یہاں پر ہم ڈسکس کر دیں، وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہر پڑھا لکھا انسان اس پر ہنستا ہے، لیکن اندھ بھکتوں کو کیا کہا جائے، ان کو تو جو بات کہہ دی گئی بس وہی ان کے لیے رسیور ہے، وہی ان کے لیے شہد ہے۔ تو کہیں کیا بات جاتی ہے کہ اورنگزیب 10,000 برہمنوں کو روزانہ مارتا تھا، تو اس حساب سے آپ جوڑیے ایک سال میں 30,00,000 برہمنوں کو وہ مارتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 50 سال کل انہوں نے شاشن کیا ہے، جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے 50 سال کل شاشن کیا ہے، تو 50 سالوں میں 15 کروڑ لوگوں کو گویا کہ انہوں نے مار دیا۔ اس جس طرح سے اندھ بھکت کہتے ہیں کہ 10,000 برہمنوں کو روزانہ اورنگزیب مارتے تھے، تو اندھ بھکتوں کے انوسار کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے 50 سال شاسن کیا ہے تو 50 سالوں میں 15 کروڑ برہمنوں کو انہوں نے مار دیا۔ اور جس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شاسن کر رہے تھے تو انڈیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی کتنی تھی، 11 کروڑ۔ آپ سوچیے جب اورنگزیب شاسن کر رہے تھے تو انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن تھی 11 کروڑ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 کروڑ لوگوں کو مار دیا، تو آپ زندہ کہاں سے ہیں بھائی، آپ کہاں سے زندہ ہیں؟ جب 15 کروڑ لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے اور پاپولیشن تھی 11 ہی کروڑ، تو آپ زندہ کہاں سے بچے؟ اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کہ اگر ذرا سی بھی کوئی صحیح عقل لگتا ہے، اگر ذرا سا بھی کسی کا دماغ حاضر ہے تو وہ ان اندھ بھکتوں کے بلنڈر ایک منٹ میں پکڑ لے گا۔ اتنے زیادہ یہ اندھ بھکت ہیں، اتنا زیادہ یہ گوبر کھانے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ان پر کیا بات کی جائے، ان کا تو جو وہ ہے علمی لیول اور ایجوکیشن کا لیول آپ جانتے ہیں
किस तरह से इनकी पोल खोली जाती है और कितना इनको बदनाम किया जाता है। खास तौर से ध्रुव राठी को देख लीजिए कि अंधभक्तों की कैसी जबरदस्त खिंचाई और पोल खोलता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी समझ में नहीं आता है तो क्या से क्या मतलब जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं समझते। सिर्फ एक जो है खास कम्युनिटी की नफरत में ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो बाज़मीर लोग हैं, जिनका दिल जिंदा है, जिनका ज़मीर जिंदा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, उनको इन चीजों से कोई लेना देना, जो हकीकत है आप वो बयान करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हकीकत नहीं है, आप प्रोपेगंडा मत फैलाइए, आप इस तरह की फिल्में और इस तरह की मूवीज बना करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। हजारों आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी, हजारों आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी जिसमें मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की है, और हजारों ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जिसमें हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे? हमसे पूछिए, हम दोनों को कंडेम करते हैं। हमारा ये मानना है कि आप हिंदू हैं तो हिंदू से शादी करिए, आप मुसलमान हैं तो मुसलमान से शादी करिए। हम हरगिज़ हरगिज़ इसको प्रमोट और ना ज़र्रा बराबर हमें खुशी होती है कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू बहन से शादी कर ले, हमें हरगिज़ खुशी नहीं होती। हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और सरासर इसकी मुखालिफत करते हैं। जो आप जिस धर्म को मजहब को मानते हैं भाई, आप उसमें जाइए, उसमें शादी करिए, आप क्यों दूसरे की तरफ ललचाई हुई नज़र से देख रहे हैं? ये सब बिल्कुल जो है गलत चीज़ें हैं, और ये सब जो है फ़िरकावारियत को, और ऐसी शादियां कतई कतई नहीं निपट, ये हम आपको लिख के देते हैं। जो भी ऐसा करते हैं, चाहे मुसलमान हिंदू से करे या हिंदू मुसलमान से करे, फ़र्क इससे नहीं पड़ता, ये शादियां नहीं निभ सकती, इसमें लड़ाइयाँ होनी तय है। और बस औकात नौबत यहाँ तक आती है कि खून खराबा हो जाता है, इसलिए आप क्यों ऐसा करें? तो ये सारी जो बकवासात हैं, इन चीज़ों से बाज आ जाइए। इस्लाम इन चीज़ों को हरगिज़ हरगिज़ प्रोमोट नहीं करता। कुरान पाक की मुक़द्दस आयतें हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें इरशाद फरमा दी हैं कि हक और बातिल, सच्चाई और बुराई दोनों हमने वाजह कर दी हैं, कुरान में बयान कर दी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर आपके सामने निशानदही कर दी हैं। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, आप पढ़िए, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई फोर्स कन्वर्जन आपका नहीं। जहाँ पर इस्लामिक स्टेट कायम है, इस्लामिक लॉ कायम है, वहाँ पर भी किसी का फोर्स कन्वर्जन नहीं करवाया जाता। जो वीडियोज़ आपके पास आती हैं, जो बातें आपसे कही जाती हैं, भड़काने की कोशिश की जाती है, तो अल्लाह के लिए या जिस ताकत को आप मानते हैं उसका आपको वास्ता, आप उनकी सच्चाई के साथ छान फटक करिए, सच्चाई के साथ। वाकयात मत देखिए, इक्का दुक्का वाकयात आपको दोनों में मिलेंगे। हमने बताया कि बहुत से वाकये आपको ऐसे भी मिलेंगे कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की, और बहुत से वाकये ऐसे भी मिलेंगे कि हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की। ये दोनों वाकये अगर ऐसा होता है तो गलत है और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो कल दूसरा उसको प्रमोट करेगा, फिर आप चिल्लाते क्यों हैं, इस तरह की फिल्में क्यों बनाते हैं? जब आप दूसरी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो इसको भी बर्दाश्त करने की आदत बनाइए, या फिर हमारी तरह बनी है। हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, ना इसको प्रमोट करते ना उसको प्रमोट करते, दोनों को गलत कहते हैं। और हम जहां भी ऐसा करता हुआ देखेंगे हम मना करेंगे, और हम मना करते हैं लोगों को। इस वीडियो के जरिए से हम आपको पैगाम दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। आप मुसलमान हैं तो मुसलमान में शादी करिए, आप हिंदू हैं तो हिंदुओं में शादी करिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही गाइडेंस दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। झूठ फरेब प्रोपेगंडा फैलाने से हम सबको बचाए।